बाबर आजम ने बल्ले से कोहराम मचाया, सपने में भी कोई बल्लेबाज ना तोड़ पाए ऐसा दुनिया का नंबर वन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किंग बाबर आजम ने पीएसएल में रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, आखिरकार बाबर आजम ने अपने बल्ले से किस तरह से मचाया कोहराम और बना डाला है कौन सा कभी न टूटने वाला सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बताएंगे आपको बाबर आजम के इस महान वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी बाबर आजम के इस रिकॉर्ड से बेहद ही खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल 2024 की शुरुआत हो चुकी है, जहां आज दूसरे दिन डबल हेडर के मुकाबले खेले गए हैं। आपको बता दें कि डबल हेडर में आज पहला मुकाबला क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर जालमी के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में हालांकि क्वेटा ग्लेडिएटर ने 16 रनों से जीत दर्ज की, बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जालमी की टीम को इस मुकाबले में हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन बाबर आजम ने एक सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचना अब किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। आपको बता दें कि बाबर आजम पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे और उन्होंने 42 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 68 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। हालांकि वो 68 रन बनाकर अबरार अहमद का शिकार जरूर हुए, लेकिन तब तक उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। दरअसल 68 रन बनाते ही बाबर आजम पीएसएल में 3003 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि पीएसएल में अभी तक कोई भी खिलाड़ी 3000 रन नहीं बना पाया है। लेकिन बाबर आजम ने 80 पारियों में 3003 रन बनाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब बाबर आजम की बराबरी कर पाना शायद ही किसी बल्लेबाज के लिए आसान हो पाएगा। दोस्तों आपके मुताबिक क्या बाबर आजम का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पीएसएल में कोई खिलाड़ी तोड़ पाएगा या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।